नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, आज जैसे ही मैंने अपना कंप्यूटर खोला तो हमारे स्क्रीन पर एक वीडियोज आ गई और वो वीडियोज अंतरा सिंह प्रियंका के एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का था, यानी कि वो एक चैनल को इंटरव्यू दी थी। तो मुझे लगा कि सुनना चाहिए क्योंकि टाइटल कुछ ऐसा था कि मेरा रहा नहीं गया और मैंने क्लिक किया और क्लिक कर सुनने लगा। जब क्लिक कर सुना तो उसमें ऐसी ऐसी बातें बोल गई थी जिससे कि मतलब मेरे को सुनने के बाद एकदम ऐसा महसूस हुआ कि हमें इस पर एक वीडियोस करनी चाहिए कि आखिरकार ऐसे खुलेआम आकर किसी का नाम को रिघा कर बोलना और इस तरीके की जो वल्गरिटी है, अश्लीलता है, उसको लेकर तमाम भोजपुरी इंडस्ट्री में बात होती रहती है। तो उस पर जो है उन्होंने कठोर शब्दों में अपनी बयान जो है अंतरा सिंह प्रियंका ने दर्ज किया है। क्या कुछ कहा है, किस सवाल पर भड़की है और उस पर हमारा क्या मैसेज रहेगा, ये इस वीडियो में मैं अपनी जानकारी देने वाला हूं। लेकिन आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल भोजपुरी रिमझिम को सब्सक्राइब करकर जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। बात करें तो जब कोई भी भोजपुरी का इंटरव्यू होता है तो उसमें एक वल्गरिटी अश्लीलता को लेकर जरूर बात होती है। चाहे कोई भी कलाकार हो, उस कलाकार से अश्लीलता के बारे में पूछा जाता है क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरीके से अश्लीलता को बढ़ावा दिया जाता है और कई सारे ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी में अश्लील गाने गाते हैं जिसकी वजह से हमारा जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा बदनाम है और ये हर जगह चर्चा होती रहती है। हर जगह कहीं भी जाए तो वह मतलब ढूंढी ढाड़ी ढेरों की पता नहीं क्या क्या जो है ये लगातार चर्चा होती रहती है। और इसी सवाल को लेकर इंटरव्यूअर ने जब अंतरा सिंह प्रियंका से पूछा कि आप अश्लीलता के बारे में क्या सोचती हैं, तो उन्होंने मतलब पूछने के बाद ही वो भड़क गई और काजल रघवनिया बोलकर बोली कि हम लोग तो माइक के सामने गाते हैं, हम लोग जो है सरस्वती का दिया हुआ आवाज है, हम उस आवाज में गाते हैं और हम तो माइक के सामने गाते हैं, तो हम अश्लील कहाँ होते हैं। अगर मैं ढूंढी कहता हूं तो मैं अश्लील नहीं हूं, बल्कि जो वीडियो में पूरा का पूरा ढूंढी दिखा रहा है वो अश्लील है। अमिताभ बच्चन का भी उन्होंने उदाहरण लिया कि अमिताभ बच्चन ने एक किस किया था एक लड़की के साथ, तो वो कहाँ से वो अश्लील हो गए, उनकी क्या व्यवहारिक स्थिति खराब है। इस प्रकार के तमाम एग्जाम्पल्स दिए और इसको लेकर काजल रघवानी को भी जमकर निशाना साधा। लेकिन इस बात को समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले चीज ये है कि क्या आप दिल पर हाथ रखकर बैठे कि भोजपुरी में कई सारे ऐसे गाने नहीं है जो कि नहीं बजना चाहिए, नहीं सुना जाना चाहिए, जो कि हमारे समाज के लोग कुछ भी फ्लो में आकर जो है उस प्रकार के गाने गा देते हैं। ऊपर से बात करें तो अंतरा सिंह प्रियंका को भी ग्रुपिज्म लेकर है, कोई कई सारे ग्रुप्स हैं जो कि अंतरा सिंह प्रियंका को सपोर्ट करते हैं, उनसे मैक्सिमम गाने गवाते हैं, लेकिन कई सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो अंतरा सिंह प्रियंका को पूछते तक नहीं है। तो हो सकता है कि इसकी भी एक भड़ास हो तो वो शायद उतार दी हो। लेकिन मेरा जहां तक अनुमान है कि भोजपुरी में जो भी सिंगर्स हो, चाहे अंतरा सिंह प्रियंका हो या फिर जो भी सिंगर्स हो, अगर आरोप लगते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, तभी आरोप लगते हैं। तो आप यथासंभव प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपको जो भी स्क्रिप्ट मिले, मैं सभी सिंगरों से अनुरोध करूंगा कि जो भी स्क्रिप्ट आपको मिलती है उसको आप पढ़ें, उसको एक स्टैंडर्ड लेवल पर जाकर सोचें कि क्या ये सही है, क्या मैं ये गाऊंगा तो लोगों के बीच में एक मैसेज आएगा, लोग सुन सकेंगे, क्या हमारी दिल आत्मा बोलती है कि मैं इसको गाऊंगा। अगर ऐसा बोलता है तो फिर आप गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चार नजरियों को देखकर अगर आप गाना बनाते हैं तो मुझे लगता है कि वो सही रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा और लोगों को भी बेहतर पसंद आएगा और आप भी अपने दिल से काफी ज्यादा खुश रहेंगे। लेकिन इस तरीके का मीडिया में आकर बयान देना, किसी को गाली देना, किसी को अब्यूज करना, किसी को इस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल करना है, ये एक अगर स्टैंडर्ड लेवल पे कहा जाए, क्योंकि अंतरा सिंह प्रियंका एक बहुत फेमस सिंगर हैं, तो इस तरीके का मुझे नहीं लगता है कि हाँ एक पोलाइटली अंदाज में वो जरूर जवाब दे सकती हैं, लेकिन जिस तरीके का उन्होंने भाषा इस्तेमाल किया मुझे उस चीज से दुख है और दिक्कत है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की भाषा कोई भी किसी को लेकर जो है इस प्रकार की चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि पब्लिकली डोमेन में है, तो पब्लिकली जब डोमेन में है तो ऑब्वियसली आपको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के साथ आगे बढ़ना होता है और आपको लोग सुनते हैं, क्योंकि हमारे सारे लोग जैसे कई सारे लोग हैं जो आपको सुनते हैं, और आप ऐसी भाषा का मर्यादित अमर्यादित तरीके से अगर पेश करते हैं तो फिर लोगों के जहन में और लोगों के दिल में एक अलग परसेप्शन आपके प्रति बनेगा। इसलिए आप कोई भी सिंगर हो, गाने को एनालाइज करें, रिज्यूम करें कि भाई गाना क्या हो सकता है, चल सकता है कि नहीं चल सकता है, लोग सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते, इस प्रकार की चीजों को रखकर चलते हैं तो ऑब्वियसली आप जरूर सक्सेस होंगे और भोजपुरी इंडस्ट्री की भी एक अलग पहचान बनेगी। तो मेरा
अनुसार ये ओपिनियन है, आपके क्या राय है कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए। जानकारी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करते जरूर जुड़े। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।